संवेदनशीलताएं हो, जहां त्याग हो, जहां बलिदान हो, जहां एक दूसरे के मान सम्मान का ध्यान रखा जाए, उस समूह को मैं परिवार का नाम दिया करता हूं। वह परिवार समझा जाता है। परिवार ध्यान रखना, मान्यवर परिवार बिखर रहा है, मकान बन रहा है, परिवारों को संभालने की कला सीखी। आखिर दो भाइयों के बीच ऐसा क्या घट जाता है, ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन के खड़ा हो जाता है, ऐसा क्या बात मन में आ जाती है बड़े होते होते कि एक भाई कहता है ये धंधा तेरा है और एक भाई कहता है ये धंधा मेरा है। परिवार बट जाता है, धंधे अलग अलग हो जाते हैं, व्यापार बट जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि एक खून इतना भी बट जाया करता है कि एक दूसरे से बोलना और देखना भी पसंद। ये हालात है हमारे देश के, भाई भाई में झगड़े हैं, बेटे और पिता की नहीं बनती है, और हम धर्म की बड़ी गहरी गहरी बातें किया करते हैं। मान्यवर, जिस परिवार में दो भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में चार भाई साथ साथ रहा करते हैं, जिस परिवार में एक दूसरे के बच्चे ये नहीं बताते कि ये मेरे चाचा का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, वह परिवार जिसमें दादा दादी भी साथ रहा करते हैं, एक बात ध्यान रखना, धरती का इससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। और जहां भाई भाई से बोल चाल ना हो, जहां देवरानी जिठानी एक दूसरे से देखना पसंद ना करें, माँ बाप के रहते रहते दो भाई अलग हो जाएं, तो इससे बड़ा नरक दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। नरक है वो परिवार जहां रिश्ते आपस में बात नहीं किया करते हैं। कभी कब्रिस्तान को देखा है? देखना किसी शमशान को, कब्रिस्तान को, वहां एक कब्र में एक कब्र दूसरी कब्र से ज्यादा दूर नहीं होती है। कितने, एक फिट दो फिट दूर होगी। एक मुर्दा लेटा है, उसके बाजू में दूसरा मुर्दा लेटा है, फिर थोड़ा चलो तीसरा मुर्दा लेटा है। हजारों मुर्दे कब्रिस्तान में लेटे होते हैं, लेकिन कभी एक बात ध्यान रखना, ये कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दे केवल लेटे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं किया करते हैं, एक दूसरे से संवाद नहीं किया करते हैं, एक दूसरे की तरफ देखा नहीं करते हैं। तो जिस घर में चार भाई एक दूसरे से बात करने को तैयार ना हो, तो वो घर घर नहीं, मेरी नजरों में कब्रिस्तान हुआ करता है। अरे कब्रिस्तान में तो फिर भी ध्यान रखना, मुर्दा लेटे होते हैं, लेकिन घरों में यदि बोल चाल नहीं है, तो आदमी जीती जागती लाश सा जीवन जिया करता है, जिंदगी उसकी मुर्दों की तरह हुआ करती है। बोल चाल नहीं है, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। मेरे देश की संस्कृति कलात्मक इमारतें नहीं है, कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता एलोरा की गुफाएं, लाल किला, ये मेरे देश की संस्कृति नहीं है मेरे भाई। यदि ये मेरे देश की संस्कृति हो जाएगी, तो मेरा देश तो पत्थरों का देश हो जाएगा। लेकिन भारत पत्थरों का देश नहीं, ये संवेदनाओं का देश है, ये दिलों का देश हुआ करता है। हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान है मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोत। कौन सा सोना उगलती है इस देश की धरती, कौन सा हीरा मोती उगलती है इस देश की धरती? हाँ, इस देश की धरती ने ये कंकड़ पत्थरों के हीरे मोती को महत्व तो नहीं दिया। मेरे देश की धरती तो ऐसे हीरे उगला करती है, ऐसे मोती उगला करती है, ऐसे जवाहरात इस दुनिया को दिया करती है। जहां एक पिता यदि वचन दे देता है अपनी पत्नी को, तो मेरे देश का हीरा 14 वर्ष को वनवास स्वीकार कर लिया करता है। एक माँ पिता के वचनों को, ये हीरे हैं, ये कंकड़ पत्थर वाले हीरे मोती नहीं है। ध्यान रखना, असली हीरा वो जो पिता के वचनों की खातिर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया करता है। मान्यवर, दशरथ ने वचन दिए थे रानी कैकेयी को, विचार करिए आप, उसकी जगह आज का बेटा होता तो कहता कि आपने अपनी
उसे मैं क्यों भोगूं, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं क्यों जंगल जाऊं। आप पत्नी के प्रेम में पत्नी को वचन दे गए और बेटा वनवास जाएगा। और वो भी ध्यान रखना, कितना महान हीरे मोती थे वो, जिन्होंने ये भी नहीं कहा कि कौन सा तुमने हमारी सगी माँ को वचन दिया है, अरे सौतेली माँ को वचन दिया है उसे निभाने हम क्यों जाएंगे, हम क्यों तुम्हारे नहीं कहा। असली हीरे मोती ये हैं हमारे देश के, ध्यान रखिए। चल दिए राम लक्ष्मण वन की ओर बिना कोई प्रश्न किए। मान्यवर, धन दौलत से परिवार नहीं चलता, भाईचारे से परिवार चला करता है, ध्यान रखिए। भाईचारा होना चाहिए हमारे। देखो, ताली बजाना है तो ढंग से बजाए, नहीं बजाना तो मत बजाओ। अब बजा भी रहे हो, आलस भी आ रहा है, जरा अच्छी बात लगे, दिल को छुए तो बजाइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर, विचार करना है कैसे कैसे भाई हमारे देश में हुए हैं। ये परिवार यदि चलेगा तो भाईचारे से चलेगा, अनुशासन से परिवार नहीं चलता है। प्रेम अनुशासन से परिवार चला करता है। अनुशासन में भी प्रेम होना चाहिए, डांट में भी प्रेम होना चाहिए, ध्यान रखिए। यदि प्रेम को खत्म कर दिया तो जिंदगी बड़ी बोझिल हो जाएगी। अनुशासन में भी प्रेम जोड़ दिया जाए तो अनुशासन अनुशासन नहीं बल्कि प्रेम अनुशासन बनकर के खड़ा हो जाया करता। मान्यवर, आपसे निवेदन है, यदि दो भाई अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता से अलग रहोगे, तो एक बात बताओ बारामती वालों, कि तुम पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी पत्नी पर अंकुश कौन लगाएगा, तुम्हारी जिंदगी को मर्यादित कौन करेगा। आज बुजुर्ग हैं इसलिए हमारे घर में मान मर्यादाएं, संस्कार और इज्जत बरकरार हुआ करती है, वरना कब की अदब इस दुनिया से गायब हो गई। बड़े बुजुर्ग हमारे घरों में जरूर होना चाहिए, अलग होने का प्रयास मत करिए। पहले का वो जमाना था कि हर तरह से कोशिश होती थी कि परिवार टूटने ना पाए। आज का जमाना है कि हर तरह से कोशिश होती है कि हम भी अलग हो जाएं और तुम भी अलग हो जाओ। जानो, जोड़ो परिवारों को। एक नारी यदि संकल्प कर ले कि मैं अपने परिवार को बिखरने नहीं दूंगी, एक नारी, ध्यान रखना, मुझे क्षमा करना, जब तक इनकी शादी नहीं होती, दो भाई बड़े प्रेम से रहा करते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही देवी आ जाती है, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, परिवार बट जाता है, अलग अलग हो जाया करते हैं। एक बात, एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए, तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, ध्यान रखिए। अगर मां बाप की जिम्मेदारी लड़कियों पर आ जाए तो इस देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा। लड़के ने कहा, अगर सभी लड़कियां सास ससुर को मां बाप का दर्जा दे दें तो देश में एक भी वृद्धाश्रम दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया में कहीं भी वृद्धाश्रम के दर्शन नहीं होंगे। एक लड़की मां बाप की चिंता करती है, सास ससुर की नहीं करती। यदि हर बेटी सास ससुर को माता पिता समझने लगे तो हिंदुस्तान तो क्या, पूरी दुनिया में वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे, हर घर स्वर्ग में परिवर्तित। दोनों की जिम्मेदारी, लड़कों की भी जिम्मेदारी है और लड़कियों की भी, घर को स्वर्ग बनाने। एक नारी संकल्प कर ले कि किसी भी परिस्थिति में मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगी। क्यों टूटता है परिवार? शादी करके आती हैं आप, बहू बनकर आती हैं, परिवार के टूटने का कारण क्या है? किसी ने कुछ कह दिया, आप इसे बाहर हो जाते हैं, सहन शक्ति नहीं है, धैर्य नहीं है,
हमको उसने ऐसा क्यों बोल दिया? अरे बोल दिया तो बोल दिया, लखनऊ के नवाब के बेटे अभी जाके देखो, जो कभी नवाब बने घूमा करते थे, आज उनके बेटे रिक्शे चला रहे, टांगे चला रहे हैं। ध्यान रखना, आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब राजा को रंक बना दे और कब रंक को राजा बना दे। क्या हुआ? दो बात, ये महिलाएं पर्युषण पर्व आ रहे हैं, 10-10 उपास करेंगी, कुछ महिलाएं 16 कारण के 30-30 उपास कर रही हैं, कुछ 28 के उपास किया करती हैं, 10-10 उपास कर लेती हो आप लोग। आपसे बड़ा निवेदन है मेरा, बड़ी विनम्रता के साथ, 10-10 उपास में आप भूख सहन कर लेती हो, प्यास सहन कर लेती हो, कर लेती हो कि नहीं? भूख प्यास सहन कर लिया तो आपका उपास हो गया। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, भूख सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्यास सहन ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं उपास नहीं होता तो मत करो, अरे दो रोटी खा लो, लेकिन प्रेम की जिंदगी जियो अपने घरों में, नफरत का वातावरण मत। प्यास सहन हो जाती है, लेकिन घर घर में दो बात किसी की सहन नहीं हुआ कर। मैं कहूंगा भूख प्यास सहन करने वाला उपास हो या ना हो, परिवार में दो बात सहन कर लो, इससे बड़ी तपस्या दुनिया में कोई दूसरी नहीं होती है। किसी दो बात सहन कर लो, किसी ने दो शब्द बोल दिए, सहन कर लो मेरे भाई, यदि सहन कर लिया, इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना यही है, सासू ने कुछ कह दिया सहन कर लीजिए, बहू ने कुछ कह दिया सासू सहन कर ले, देवरानी ने कह दिया जिठानी सहन कर ले, इससे बड़ी कोई साधना और इससे बड़ा कोई पर्युषण पर्व जीवन में दोबारा आने वाला नहीं। बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं होते हो, एक दूसरे एक छत और एक चार दीवार के नीचे रह नहीं पाते, ऐसा क्यों होता है और कब होता है? कोई पुरुष मुझे बता दे तो मैं सोचूंगा कि मुझे अब प्रवचन की जरूरत नहीं है। ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं? गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है, बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप बेटे वो प्रवचन मत कर, उसके बाद बच्चे वाइफ उसके बच्चे वो परिवार बन जाता है। नहीं नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है, बैठ जा, कोई बताइए, दो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे, ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं, ये घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना, कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे, एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, लेकिन घर में जाता हूँ तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूँ। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर, और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है, क्या बात है, ध्यान रख। दो खून एक रहते हैं, एक खून, एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं मानवर, ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। ध्यान, मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे
जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है, ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या सहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है, ध्यान रखिए। मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन मां बाप को अपना मां बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है, वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा, क्या करे वो बेचारा, वो लड़का ना पत्नी का हो पाता है, ना माँ का हो पाता है, ना परिवार का हो पाता है, ना वो इधर कुछ बोल पाता है, ना उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो चार लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादी शुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखाती। स्थिति बहुत गंभीर है लेकिन नियंत्रण में है, जब तक पुलक सागर मौजूद है तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता इसमें, क्या बुरा मानना, सुनो माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए, वहीं से महाभारत शुरू हो जाया करती है। तीनों भाई मेरे पास आए आकर के, उन्होंने कहा महाराज हमें एक कर दीजिए। मैंने कहा तुम तो एक हो। बोले हम दिल से तो एक हैं, लेकिन हम एक साथ रह नहीं सकते हैं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हमारी पत्नियों की आपस में बनती नहीं है, देवरानी की जिठानी से नहीं बनती, जिठानी की देवरानी से नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उसका दुष्परिणाम हम भाइयों के जीवन में दिखा करता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं सूरत वालों, कि एक बड़े पिताजी अपने भतीजे को यदि 100 रुपए भी देते हैं ना, तो पत्नी से छुप छुप के दिया करते हैं, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। एक भतीजा जब अपने ताऊ के पास जाता है, यदि उसे कुछ लेना है ना, तो छुप करके। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि तीज त्योहार पर भी बहू बेटियां जब आती हैं, सावन मनाने जब बेटी आती है ना, तो एक माता पिता छुप छुप कर बच्चों से अपनी बेटियों को उपहार दिया करते हैं, उन्हें मिठाई दिया करते हैं, उन्हें साड़ी दिया करते हैं। बड़ा भाई कहता है देख तेरी भाभी को पता ना चल जाए, चुपचाप इसे रख ले बहन। ऐसे भी माहौल बन गए हमारे घरों में कि हमें छुप छुप कर व्यवहार निभाना पड़ते हैं, छुप छुप कर मिलना पड़ता है। उन तीनों भाइयों ने कहा कि आज हम आपके चरणों में आए हैं महाराज, हम छिप छिप कर तीनों आए हैं, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम एक साथ बैठें, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम भाइयों में प्रेम होना चाहिए। पहले तो वो समय था कि बड़ा भाई कुछ बोल दे तो छोटा भाई चुप हो जाता था, और आज महाराज जब मैं चुप होता हूं ना, तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अब नहीं बोलोगे बुद्धू राम तो कब बोलोगे, जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, सब भाइयों का करते रहो।
से मेरा निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार करो, एक बात बताना ईमानदारी से। जब जब सावन आता है ना, किसकी याद आती है? एक बात ईमानदारी से, भाई की आ रहा है ना सावन, भाई की याद आती है ना, भाई से मिलने का मन करता है ना कि जाकर के उसे राखी बांध दूं रक्षाबंधन पर। हर साल 6 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में मन करता है कि भाई से बात कर लूं। 4-6 महीने तो बहुत, अब तो मोबाइल है ना, तो रोज ही रोज बात होती है, सुबह शाम बात हो जाया करती। भैया से बात कर लूं, भाभी से बात कर लूं, कितना मन करता है अपने भाई से मिलने का। देवियों जरा इतना बता दो, जब दूर पीहर में तुम्हारा भाई रहता है, हर त्योहार में मिलने का मन करता है, भाई से बात करने का मन करता है, उसे उपहार देने का मन करता है, तो एक बात इतनी तो बता दो, इनका भी तो भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, इनका भी तो मन करता होगा अपने भाई से मिलने का, इनका भी तो दिल करता होगा अपने भाई से मिलने का। अरे जैसे तुम्हारा भाई है वैसे इनका भी भाई हुआ करता है। नफरत के बीज मत बोइए, किसी घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, एक बात रखना, जो घरों का बंटवारा करती है वो बहू होती है, और जो घरों को एक करती है वो बहू रानी हुआ करती है। उसे गृह लक्ष्मी कहकर के बुलाया जाता है।